गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है। दिखाओ दिखाओ टेम्परेचर दिखाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टेम्परेचर दिखा यार, बहुत गलन है भाई, बहुत ज़्यादा गलन है। एकदम बाहर तो दिख नहीं रहा ना बिल्कुल। हाँ आ गया। मिश्रा जी आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया है। रेड टी शर्ट रेड जैकेट में तो शानदार लग रहे हैं एडिडास। तो भाई देखना, आपने देखा आपने, आज ठंड इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं अभी फ़िलहाल हैप्पी को छोड़ने आया था ऑफिस, और अभी फिर से मैं अपने ड्यूटी पे जा रहा हूँ। और गाइस देखिए, आज इतना ज़्यादा ठंड है, मतलब आपने टेम्परेचर देखा है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और काफ़ी ठंड है। बिल्कुल जैसे लग रहा है बर्फ़ गिरा है, धूप भी नहीं हुआ है, बट ठीक है, इसी में काम तो करना ही है। आप लोग भी लगे रहिए और हम भी लगे हैं काम पे, लगे रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। और गाइस आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं, देख के निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ढेर सारा शेयर करिए, ताकि लोगों को भी एंजॉय हो, लोग भी एंजॉय करें, लोगों को भी मज़ा आए। तो गाइस अभी हो गया ड्यूटी ओवर और मैं अभी निकल लिया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ हैप्पी को लेने, और हैप्पी को लेके फिर घर चलते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद फिर कुछ फन करते हैं। आइए लगे रही हमारे भाई। आज सुबह जैसा मौसम हुआ था वैसे लग रहा था कि आज तो धूप निकलेगा ही नहीं, बट अभी धूप निकल चुका है और अभी इंजॉय करें। देखें देखिए, हम आपको देखिए गाइस कितना खिला खिला मौसम हुआ, एकदम बिल्कुल आज धूप निकला, कितना अच्छा लग रहा है मौसम। लग रहा है कि आज मौसम बहुत सुहाना होगा, क्योंकि इधर 2-3 दिनों से लगातार इतनी ठंडी पड़ रही थी गोरखपुर सिटी में कि ऐसे लग रहा था कि ये ठंडी जल्दी ख़त्म ही नहीं होगी, बट नो डाउट आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बट ये एक इंडिकेशन ये भी है कि रात में कोहरा खूब गिरेगा, खूब ढेर सारा। तो गाइस जिनको शाम को निकलना होगा, जिनको रात में कहीं जाना होगा, वो पहले से ही प्लान्ड रहेंगे, क्योंकि कोहरा तो होने वाला है बहुत ज़्यादा। क्योंकि धूप हुआ है तो ठंड में धूप हो गया तो इसका मतलब बदली नहीं है, बदली नहीं है तो कुहासा तो खूब ढेर सारा होगा। तो उसके लिए आप लोग पहले से प्लान कर लीजिएगा कहीं भी अगर बाहर निकलना होगा, और भरसक हो सके तो आप बाहर की कोई भी जर्नी आप अवॉइड करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके टेक केयर गाइस, और लगे रहिए, आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, देखिए हैप्पी, और अब लोग हम अपना लंच कर रहे हैं, और लंच करके फिर आपको कुछ एक्सप्लोर। गाइस हम लोग सो गए थे और अभी हम लोग आ गए हैं सब्जी बाज़ार में सब्जी लेने, क्योंकि ड्यूटी भी थी तो मैं ड्यूटी गया था, और ड्यूटी कुछ ऑर्डर वगैरह था करके मैं आ गया, और काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, बहुत ठंड थी, फटाफट उठ के ड्यूटी किया, और अभी हम लोग आ गए हैं सब्जी बाज़ार। आइए आपको दिखाते हैं। एक किलो आलू दे दीजिए, 50 का 2.5 किलो यानी कि 20 रुपये किलो। प्याज कैसे बाबा? 40। ठीक है, रेट बढ़ गया, हो गया। अब क्या लेना है? हरा सब्जी। पालक कैसे है अम्मा? 20 रुपये किलो बाबू। खड़ी पालक? हाँ। बैगन बड़का वाला? 10 रुपये पाव। अच्छा, काला वो गाजर? 10 रुपये पाव। खड़ी पालक 20 रुपये किलो। हाँ? 20 रुपये किलो, ठीक ही है, ताज़ा भी है। टमाटर 30 है भाई, ठीक तो है। हम ये प्याज कैसे है? साग का प्याज 10 रुपये का, 15 का था। बथुआ साग 10 रुपये का। भाई पत्ता गोभी कैसे है? फाइनली सब्जी की बाजार हो गई, ये देखिए सारा कितना ढेर सारा सब्जी।
वो कहते हैं ना कि जीना अगर ज़रूरी है तो खाना बहुत ज़रूरी है, वो भी हरी सब्जियां खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ देखना देखना साइकिल, तो मतलब जीना अगर ज़रूरी है तो हरी सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। अंदर रखते सामान, बाप रे इतनी सारी सब्जियां, मतलब हम लोग क्या बाजार करने जा रहे हैं क्या, बेचने जाएंगे इतना सारा सब्जी, सारा बाजार तो खरीद लाई तुम। हाँ चलो, तो गाइस आज का मूल मंत्र ये है कि जीना अगर ज़रूरी है तो हरी सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। तो बोलिए हरी सब्जी महारानी की जय। कुत्ते कहाँ चले गए यार, सारे कुत्ते भाग गए यार। यार ये लाइट भुनचौकी हो गया है, तो अब कैसे खोलें, हाथ मेरा बिजी है। गाइस ये देखिए, ये है मेरा ब्लॉगिंग सेटअप जो ट्राईपॉड के साथ है, और इसमें है आपका ये यूलांजी का ट्राईपॉड है, बहुत प्यारा है, बहुत स्टडी है और बहुत खूबसूरत है। ये है आपका, ये मेरा मोबाइल है नॉर्मल रेडमी नोट 8 प्रो, और ये है माइक, यानी कि ये जो है कार्डियार्ड माइक है, एक ही तरफ से पूरा वो लेगा, यूनिडायरेक्शनल है। और ये देखिए ये मेरा है, और ये है इसका पिन। तो ये है मेरा सेटअप, इसको मैं ऐसे करके भी पकड़ के ऐसे ब्लॉक कर सकता हूँ, सिंपल है ना तरीका। ये मेरा स्टडी एरिया, ये मेरा चेयर अभी फेंका पड़ा है ऐसे ही, यही पड़ा दिखा। गाइस अभी मेरे पास एक और आइटम आ रहा है जो ब्लॉगिंग में मेरा हेल्प करेगा, वो मैं जब आ जाएगा मंडे को आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी हैप्पी गई है चाय बनाने, और मैं तब तक कुछ पढ़ाई कर लूँ, और उसके बाद लास्ट में जब हम सोने जाएंगे तो एडिट। गाइस ये देखिए मेरे हलवा सुंदर बनाना, और ये है चाय। चाय तो घर हैप्पी तो चाय का स्पेशलिस्ट है, शानदार बनाती है, मतलब इंग्रेडिएंट्स कम भी रहे ना तब भी चाय शानदार बनी। चाय का लुक देखिए, छाली आ गया, मतलब छाली तो नॉर्मली आ जाता है, बट इसका जो चाय वाला कलर है ना वो शानदार। तो भाई जैसा कि मैं बताया था, हम लोगों का चाय रेडी है, और चाय के साथ आप भी सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ़ है, चाय के साथ हम लोग क्या खा रहे हैं पता है, ना नमकीन, ना पकौड़ी, ना सब्जी, कुछ नहीं। ये है गाजर का हलवा, एक्चुअली में ये हम लोग खा नहीं रहे, मतलब पहले इसको खाएंगे, पानी पियेंगे, प्याज बुझ जाएगी, फिर ये गर्मा गर्म चाय विदाउट शुगर। अब चूंकि ये विदाउट शुगर है यानी कि लो शुगर है, तो इसमें शुगर का काम कौन करेगा, ये हलवा का इसमें शुगर है ही नहीं, गाजर के हलवा का शुगर। अच्छा इसमें शुगर है ही नहीं, नहीं। वाह भाई क्या बात है, हम लोग बिना डायबिटीज के डायबिटीज पेशेंट हो गए, गुड, चलो अच्छा है। चले गाइस खाते हैं, आप भी कभी हलवा बनाइए गाजर का और टेस्ट करिए। लास्ट टाइम पे हम लोग जब बनाएंगे ना गाजर का हलवा तो डाला जाएगा वीडियो बनाएंगे, लास्ट टाइम जब हम लोग बनाएंगे तो बताएंगे कैसे प्रोसेस, हम लोग बनाते हैं आप लोग अलग अलग कैसे बनाते हैं देखिएगा। यम्मी, ये फ्रीज करने के बाद खाने का जो मजा है ना ये और मजेदार है। गर्म हलवा का तो ट्रेंड है बट इसको फ्रीज कर दो और फ्रीज करने के बाद खाओ, इसका अलग ही मजा है। तो गाइज हम लोग खाना वाना खा लिए, सब कुछ खत्म, पढ़ाई वढ़ाई भी खत्म, और अभी रात के हो गए हैं करीब 12:30 हो रहे हैं, हैप्पी सो गई है, मेरा भी सब काम खत्म हो गया, एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आज इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आप इस ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए, आज का ब्लॉग अगर पसंद हो तो ढेर सारा लाइक करिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि